तो आज हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड्स के लिए हर एक सब्जेक्ट में से क्या क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। तो पहली बात ये, आपको नेम डायरेक्शन अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि उसमें क्वेश्चन आता है हर बार, तो वो अच्छे से करना। दूसरी बात ये, उसमें फॉर्मूलाज जो भी है ना, ये उसको अच्छे से घोल के पी जाना क्योंकि फॉर्मूलाज के बेस की क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब अगर आपने फॉर्मूलाज किए और दो तीन क्वेश्चन किए उसके ऊपर, तो आप बोर्ड्स में भी वो क्वेश्चन कर लोगे आराम से। ठीक है, ईजी पहले हार्ड बाद में। ठीक है, मतलब आपको पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो इजी इजी टॉपिक है ना, ये वो अच्छे से आनी चाहिए, फिर आप जाओ कैलकुलस के ऊपर। क्योंकि क्योंकि कैलकुलस को है ना टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में फिर वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उसे टाइम देना पड़ता है। तो अगर नहीं हुआ इजी टॉपिक तो पहले इजी टॉपिक को कवर करो फिर हार्ड पे जाओ। ठीक है, फिजिक्स में आपको कवर करना है ऑसिलेशंस और ये जो ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, उसको पहले फोकस करना, उसके डेरिवेशंस थियरी अच्छे से करना क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और अगर एक लॉन्ग वीडियो चाहिए मतलब हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करो आप, ठीक है, तो कमेंट करना, तो बना दूंगा मैं। ठीक है, तो थैंक्स गन और बाय।